हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो एक ही अगर स्टेटमेंट में और एक ही ऑपरेशन में मान लीजिए आपके पास तीन चार ऑपरेटर्स हैं, तो उसमें से कौन सा पहले आप परफॉर्म करेंगे, कौन सा ऑपरेशन पहले आप परफॉर्म करेंगे, कौन सा ऑपरेशन बाद में करेंगे, वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, 3 mod 4 + = 5 - 4 (3)। ठीक है, तो ये एक ही एक्सप्रेशन है, इसमें कितने सारे ऑपरेटर हैं, 1, 2, ये तो प्लस इक्वल टू जो है वो कंपाउंड ऑपरेटर है, तो 1, 2, 3, 4 चार ऑपरेटर्स हैं। तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ, ब्रैकेट दिया हुआ रहता तो आप इजीली ले लेते कि हाँ ब्रैकेट के अंदर है, ये पहले परफॉर्म करेंगे, लेकिन ब्रैकेट ही प्रेजेंट नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले परफॉर्म करना है। तो उस केस में आपको प्रिसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर याद रखना है और परफॉर्म करना है। नॉट ओनली प्रिसिडेंस, उसका एसोसिएटिविटी भी, मतलब वो लेफ्ट टू राइट परफॉर्म हो रहा है या राइट टू लेफ्ट। तो इस केस में जो भी आपका प्रिसिडेंस आपका ज्यादा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्रिसिडेंस है आपका फर्स्ट परफॉर्म होगा मॉड्यूलस, फिर सेकेंड परफॉर्म होगा मल्टीप्लीकेशन, फिर थर्ड में परफॉर्म होगा आपका ये कंपाउंड ऑपरेटर वाला। ठीक है, तो पहले ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो ये कैसे पता चला मुझे कि कौन सा पहले परफॉर्म करना है, वो आपको पता चलेगा इस टेबल से। तो यहाँ पे टेबल में मैंने सारे ऑपरेटर्स का नाम लिखे हैं और उसका एसोसिएटिविटी लिखा है। एसोसिएटिविटी मतलब लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट हो रहा है। जैसे कि सॉरी, यहाँ पे मैंने और एक लिखना था मुझे, 1, 2, ये थर्ड में होगा, ये फोर्थ में होगा। तो एसोसिएटिविटी मतलब क्या, मान लीजिए 5 - 4 है तो ये कैसे होगा, 5 - 4 मतलब हम लोग 4 - 5 तो नहीं करते हैं, मान लीजिए एक वैल्यू लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप कैसे इसको रीड करते हैं, दिस माइनस दिस, आप तो इसको कभी भी इस तरह से रीड नहीं करते हैं, दिस माइनस दिस उल्टा तो नहीं जाता है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग 5 - 4 माइनस कर रहे हैं, इसको लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी बोला जाता है, क्योंकि लेफ्ट वैल्यू विल सब्सट्रैक्ट द राइट वन, नॉट द राइट वन विल सब्सट्रैक्ट लेफ्ट वन। इसी तरह से एसोसिएटिविटी डिराइव होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑपरेटर्स लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। तो पहले है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर डॉट ब्रैकेट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है, फिर यूनरी ऑपरेटर, यूनरी में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, अब आता है यूनरी और बाइनरी, आप लोगों को शायद इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनरी में क्या होता है कि ऑपरेंड इक्वल टू 1 एंड इवन ऑपरेटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 होता है, लेकिन बाइनरी में क्या होता है, आपका ऑपरेंड इज इक्वल टू 2 होते हैं एंड ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप a प्लस बी लिख रहे हैं तो इसमें दो ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं, सॉरी a प्लस बी लिख रहे हैं तो दो ऑपरेंड इन्वॉल्व है एंड सिंगल ऑपरेटर इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगा बाइनरी। लेकिन प्लस a लिख रहे हैं तो सिंगल ऑपरेंड सिंगल ऑपरेटर है, ये हो जाएगा यूनरी। तो वही यूनरी ऑपरेटर का ज्यादा प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, उसके बाद ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, प्लस माइनस, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उस तरह से, देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर ये सारे लॉजिकल, फिर बीट वाइज, फिर यहाँ पे आते हैं कंपाउंड एंड उसके बाद है बाकी जितने बच गए। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो है ना, ये वाला असाइनमेंट नहीं है, ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ही है, नहीं नहीं ये रिलेशनल ही है, क्योंकि लेस देन है, फिर लेस देन इज इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, लेकिन ये जो है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन ये कंपाउंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेसिडेंस। तो ये प्रेसिडेंस ऐसे ऊपर टू नीचे जा रहा है, ऊपर का हायर प्रेसिडेंस है और नीचे जितना जा रहा है उसका लोअर है। तो पहले इस यहां में से जो भी ऑपरेटर होगा वो परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद नीचे वाला,
एसोसिएटिविटी मतलब लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से राइट में हम सारा ऑपरेटर्स का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक्सेप्ट वन जो कि है ये कंपाउंड ऑपरेटर, ये राइट टू लेफ्ट होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं लिखती हूँ 4 + = 5, तो क्या होगा राइट टू लेफ्ट मतलब क्या, पहले 5 will be added to 4, देन दिस विल बी स्टोर्ड इन द सेम वेरिएबल विच प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि 9 = 4 है, इसका ये मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे दो वैल्यू है, मान लीजिए दो वेरिएबल है जैसे x = y, इसका मतलब क्या है कि y इज गेटिंग एडेड टू x एंड देन दिस वैल्यू इज गेटिंग स्टोर्ड टू x, तो ये राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होता है, इसलिए उसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। तो ये टेबल आपको याद रखना है टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस।